दर्शकों को मेरी यानी सौम्या माथुर की राम राम। एक बड़ी अपडेट लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हुई हूं। वो बड़ी अपडेट ये है कि सोनाली फोगाट के मामले में प्रमोद सावंत, जो गोवा के सीएम हैं, उन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। अब तक की ये बड़ी अपडेट है कि सोनाली फोगाट के मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अब जल्द ही होने वाली है। हालांकि प्रमोद सावंत ने एक बात यह भी कही कि गोवा पुलिस की जो जांच हुई है उससे वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं, लेकिन सोनाली फोगाट के परिवार वालों की जिस तरह से डिमांड आ रही है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो इसको लेकर प्रमोद सावंत ने, जो गोवा के सीएम हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जल्द ही इस मामले को लेकर शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि 23 अगस्त को सोनाली फोगाट की हत्या की खबरें जो है जोरों शोरों से फैली थी, और 23 अगस्त को सोनाली फोगाट गोवा के अंदर मृत पाई गई थी। उनके सुधीर सांगवान जो पीए हैं और सुखविंदर है, वो दोनों ही उसके साथ थे। परिवार वाले बार बार जो है सुधीर सांगवान और सुखविंदर के बारे में बता रहे थे कि दोनों के दोनों जो है इसके अंदर मतलब इस मामले की जो है जांच होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों दोषी हैं। और जब गोवा पुलिस ने उन लोगों को हिरासत में ले लिया सोनाली फोगाट के पोस्टमार्टम के बाद, उसके बाद जो सोनाली फोगाट के परिवार वाले हैं वो बार बार यही डिमांड करते रहे कि उनको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए ही चाहिए। तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो पेंच था ये अड़ा हुआ था, लेकिन आज की अगर बात करें तो आज गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन सोनाली फोगाट के मामले में शुरू कर दी जाएगी। लेकिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि अगर पिछले दिनों की बात करें तो गोवा पुलिस पिछले दिनों हिसार के फार्म हाउस, जो डंडूर में फार्म हाउस है, वहां पर भी आई थी, और हिसार में जो घर है सोनाली फोगाट का संत नगर में, वहां पर भी आई थी, और उसके बाद वो रोहतक में भी गए हैं जहां पर सुधीर सांगवान का घर है, उसके बाद गुड़गांव में भी गए हैं जहां पर गुड़गांव ग्रीन के फ्लैट नंबर 102 में सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट को अपनी पत्नी बताकर रहता था, वहां पर भी जांच की गई, लेकिन जांच के दौरान कुछ खास बातें निकलकर सामने नहीं आई। हालांकि एक संत नगर के घर में डिजिटल लॉकर जरूर पाया गया था, डिजिटल लॉकर को बार बार ओपन करने की कोशिश की गई सुधीर सांगवान से, गोवा पुलिस ने बार बार जानकारी लेने की कोशिश की कि इस डिजिटल लॉकर में क्या हो सकता है, लेकिन सुधीर सांगवान बार बार उसका पासवर्ड गलत बताता रहा। उसने कहा कि हो सकता है कि यशोधरा को इसका पासवर्ड पता हो, यशोधरा से जब पूछा गया तो यशोधरा ने साफ मना कर दिया कि उसको इस डिजिटल लॉकर के पासवर्ड का नहीं पता। उसके बाद जब उसको तोड़कर देखा गया तो एक बड़ी नाकामयाबी गोवा पुलिस को हाथ लगी कि उस डिजिटल लॉकर में कुछ भी नहीं पाया गया। हालांकि मतलब ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि सोनाली फोगाट जैसे दावा करती थी कि उसके पास 1.5 किलो सोना है, तो हो सकता है कि सोना उसके पास मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगी, जैसे कल बड़ी महापंचायत हुई जहां पर 25 खापे आई, जाट धर्मशाला में ये महापंचायत की गई थी, उस महापंचायत का भी कहीं ना कहीं ये असर हम लोग देख सकते हैं कि इतनी सारी खापे जब मिलकर सामने आई, जिसमें मतलब मेन जो खाप थी वो फोगाट खाप थी और एक झाझड़िया खाप थी। झाझड़िया खाप यानी कि जिसकी सोनाली फोगाट बेटी थी, भांजी थी, वो खाप भी निकलकर सामने आई, और भी बहुत सारी हरियाणा की खापे निकलकर सामने आई। उन्होंने जो है डिमांड यही की कि अगर आने वाली 23 सितंबर तक इस मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है तो 24 तारीख को दोबारा से बड़ी मीटिंग की जाएगी। लेकिन 23 तारीख अभी तक आई नहीं थी और महापंचायत को हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ था, और तभी जो है सुबह सुबह प्रमोद सावंत, जो गोवा के सीएम हैं, उनका ये बयान निकलकर सामने आता है कि अब इस मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगी। और इसके साथ ही जो कर्लीज रिजॉर्ट है जिसके अंदर सोनाली फोगाट को लास्ट टाइम देखा गया था, उसको गिराने के भी आदेश जारी कर दिए गए थे, लेकिन इसके ऊपर परिवार वालों का रिएक्शन ये निकलकर सामने आया। परिवार वालों ने कहा कि अगर रिजॉर्ट को गिरा दिया जाएगा तो बहुत सारी चीजें मतलब छिप सकती हैं, मतलब बहुत सारी चीजों के ऊपर मिट्टी डाल दी जा सकती है। कुछ इस तरह के एलिगेशन जो है सोनाली फोगाट के परिवार वालों के गोवा प्रशासन के ऊपर लगाए गए कि पहले सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाओ, उसके बाद हो सकता है कि अगर बिल्डिंग इलीगल है तो उसको गिरवाने का कार्य किया जाना चाहिए, लेकिन पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद खबर आई कि जो कर्लीज रिजॉर्ट के जो मालिक है उन्होंने स्टे ले लिया है हाई कोर्ट से कि वो अब जो बिल्डिंग है वो नहीं गिर सकती। लेकिन इसी बीच जो है महापंचायत हुई, महापंचायत के बाद जो है अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन सोनाली फोगाट के मामले में शुरू होने वाली है।
और इसके साथ ही हम लोग आपको शाम को 5:30 बजे लाइव मिलेंगे, जब हम लोग बात करेंगे सोनाली फोगाट के बड़े भाई वतन ढाका से, और हम लोग जानेंगे कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को लेकर अब फिलहाल उनका जो परिवार है वो संतुष्ट है या नहीं है, और किस तरह की बातें निकलकर सामने आएगी, क्योंकि हमने बार बार पूछने की कोशिश भी की है कि क्या आप लोगों को किसी के ऊपर शक है, लेकिन परिवार वाले बार बार नकार देते हैं कि जिसके ऊपर शक है या फिर जो सोनाली फोगाट के अगेंस्ट थे, हो सकता है कि उनके ऊपर नाम आ जाए, उनके मतलब उनके नाम भी निकलकर सामने आए, लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो इस केस को पूरी तरह से ड्रग्स ओवरडोज के ऊपर ही घुमाया जा रहा था। जिस तरह से हम लोग देख रहे थे, बार बार खबरें आ रही थी, यही पता लग रहा था कि बार बार जो है ड्रग्स की ओवरडोज पर इस केस को घुमाया जा रहा था। परिवार वाले बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे, यही कह रहे थे कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अगर हो जाती है इस मामले को लेकर तो वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे।